हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रेवोल्यूशन। आज आपका एक नए एपिसोड में वेलकम है, स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं लाइव प्रोसेस क्लास 10 का। तो जो लोग पहले बार देख रहे हैं वो अपने चैनल पे जाएं, चिकित्सक रेवोल्यूशन लाइव प्रोसेस लिखें, आपको सारा लेक्चर सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा। ओके, तो देखिए आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे इसमें ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, आर्टरीज को समझेंगे, इसके अलावा हार्ट को देखेंगे, जो कि हमारा क्या है, पंपिंग ऑर्गेन है, हमारा आज टारगेट है पंपिंग ऑर्गेन। देखिए जिस प्रकार प्लांट में आपने देखा है जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लोएम मल्टीडायरेक्शनल होता है। जाइलम कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को, और फ्लोएम कंडक्ट करता है ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक फूड के अलावा फूड को। वैसे फूड जैसे सुक्रोज हो गए, फ्रक्टोज हो गए, सारे के सारे काम कौन करेंगे? फ्लोएम करेंगे। ओके, आप ये भी जान चुके हैं, मैंने आपको ट्रिक बताया था, जड़ से जाइलम, फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को और फ्लोएम फूड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल को। ओके, नाउ डिस्कस ब्लड वेसल्स आर्टरीज हार्ट पंपिंग ऑर्गेन्स। देखिए ध्यान समझिएगा, ब्लड वेसल्स क्या होता है? ब्लड वेसल इट इज ए नेट हॉर्मोन्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स बिल्कुल सही है, आपने देखा कि हमारे बॉडी में वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। मिलियंस ऑफ ब्लड वेसल्स, मिलियंस ऑफ आर्टरी हमारे बॉडी में एक जाल की तरह बिखरे हुए हैं। इसका काम क्या है? इसके अलावा इनकी जो डायमीटर होती है काफी, इट इज अ वेरी थिन डायमीटर, वेरी थिन डायमीटर, वेरी थिन डायमीटर, इनकी डायमीटर काफी थिनेस्ट होती है, काफी कम होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हार्ट, हार्ट आपको पता ही है, स्टडी ऑफ हार्ट को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में लिखता हूं मैं, स्टडी ऑफ हार्ट को बोलते हैं कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। ओके, तो ब्लड वेसल देखा आपने, नेटवर्क। अब यहाँ पे दो चीज समझता है, एक कैपिलरी होती है, आर्टरीज होती है। कैपिलरी और आर्टरी में क्या अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। कैपिलरी वैसा ट्यूब जिसकी लंबाई के तुलना में डायमीटर क्या हो, नेग्लिजिबल हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप बोल रहे हैं कैपिलरी। क्या बोल रहे हैं? कैपिलरी। कैपिलरी क्या है? वैसा ट्यूब, लिसन केयरफुली, वैसा ट्यूब जिसकी लंबाई के तुलना में डायमीटर क्या हो, नेग्लिजिबल। आप देख पा रहे हैं कि इसकी लेंथ कितनी बड़ी है, लेकिन डायमीटर आप देख पा रहे हैं काफी कम है, बहुत ही लेस है। इट मींस क्या हुआ? कैपिलरी हुआ। और एक आपका होता है आर्टरीज। क्या होता है? एक आर्टरीज, ध्यान देखिएगा, एक आर्टरीज, एक होता है आर्टरीज, एक होता है कैपिलरी और एक होता है वेन। आर्टरी में क्या देखेंगे? आर्टरी का जो बीच वाला जो ल्यूमेन होता है, बीच में जो आप देख पा रहे हैं ल्यूमेन, आर्टरी, आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है वो थीन होता है। क्या होता है? थीन। देखिए काफी पतला है, मतलब थीन के जगह पर आप कह सकते हैं कि ल्यूमेन जो होगा काफी स्मॉल होगा। ल्यूमेन क्या होगा? स्मॉल होगा। तो ल्यूमेन कम तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे आपने देखा होगा कभी मालिक को वाटर प्लांट को पानी देते हुए, तो वो क्या करते हैं? देखिएगा कभी हम लोग ट्यूब को जब पुश करते हैं तो पानी दूर क्यों जाता है? तो आपने क्या किया, उसकी डायमीटर को कम कर दिया। डायमीटर कम रहेगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। उसी प्रकार हमारे बॉडी में जो आर्टरीज हैं उनका डायमीटर काफी कम होता है, है ना। अब वाल क्या होता है? ठीक होता है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। वाल ठीक होता है और ल्यूमेन काफी स्मॉल होता है। ल्यूमेन स्मॉल होगा तो प्रेशर ज्यादा जाएगा, तो ब्लड का फ्लो क्या होगा? ज्यादा होगा। अब आइए वेन्स में, तो एक कैपिलरी समझ में आ गया, आर्टरी समझ में आ गया, और एक है आपका वेन्स। वेन्स में क्या होगा? ल्यूमेन आपका बड़ा होगा। क्या होगा वेन्स में? ल्यूमेन आपका बड़ा होगा। देखिए जैसे कि आपको डायग्राम से दिख पा रहा होगा, लार्ज ल्यूमेन। क्या होगा? लार्ज ल्यूमेन। और वाल उसका थिक था, उसका वाल थिक वाल था, जबकि इसका वाल क्या होगा? थिन वाल होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थिन वाल होगा। समझिए, आपने देखा कैपिलरी
थ्योरी क्या था, एक नली था, ट्यूब था, जिसकी लंबाई के तुलना में डायमीटर क्या हो, नेग्लिजिबल हो, न के बराबर हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने आरटीआई में क्या देखा, लुमेन स्मॉल हो, काफी छोटा हो, और वाल उसका चारों तरफ का क्या हो, ठीक वाल हो। हम यहाँ पे बात ना करेंगे अल्बुजिनिया, टूनिका अल्बुजिनिया, ये सब उसका नाम होता है, तो सब आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ समझना है कि आरटीआई क्या होती है, वेंस क्या होती है, कैपिलरी क्या होती है। तो आपने देखा कि लुमेन काफी स्मॉल है तो प्रेशर ज्यादा हो गया और वाल क्या हो गया, ठीक हो गया, ये किसका आरटीआई हो गया। अब वेंस में आइए, वेंस में क्या हुआ, लुमेन लार्ज होगा, तो लुमेन लार्ज होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ए दिस पोर्शन हैज बीन लुमेन, तो लुमेन बड़ा है तो प्रेशर क्या है, तो लो है। अगर लुमेन को छोटा कर दो तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो इसका वाल थिन होगा, तो लिख लीजिए लार्ज लुमेन। तो वेंस में ये आपका किसका डायग्राम है, वेंस का, वेंस में क्या होती है, प्रेशर कम क्यों, क्योंकि लुमेन ज्यादा है। आरटरी में प्रेशर ज्यादा क्यों, क्योंकि लुमेन पतली है, नैरो है ना, तो इसमें प्रेशर ज्यादा होगा। तो आई होप आपने देखा तीनों चीज समझ में आ गया, कैपिलरी क्या होती है, आरटरी क्या होता है, और वेंस क्या होता है। आरटरी में आपने देखा वाल उसका ठीक होता है, जबकि वेंस में वाल थिन होता है। आरटरी का लुमेन नैरो होता है, स्मॉल होता है, जबकि वेंस का लुमेन लार्ज होता है और बड़ा होता है, ब्रॉड होता है ना, जिससे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, और ये आपको नली है, ट्यूब है, जिसकी लंबाई की तुलना में डायमीटर नेग्लिजिबल होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब आगे कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप देखिए तीन चीज हमारे पास क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी में तीन चीज आ गया, कौन कौन आ गया, आपने देखा, आपने कैपिलरी देखा, आपने वेंस को देखा, आपने आरटरीज को देखा। तो ये सब क्या है, कंडक्शन का काम करते हैं। जैसे प्लांट में वो जाइलम था, फ्लोएम था, तो आप लोग में तो जाइलम फ्लोएम ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो आप लोग में क्या है, उसको जगह पर नेचर ने कैपिलरी को बनाया, वेंस को बनाया, आरटरी बनाया। अब देखिए, अब यही कैपिलरी हार्ट को सप्लाई होगा, यही वेंस किडनी को सप्लाई होगा, यही आरटरी कि कुछ पोर्शन किडनी को ही प्रसारित होगा, हार्ट को होगा। तो इससे क्या होगा, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, कंडक्शन होगा, तब ये टॉपिक का नाम रखा गया ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, आई होप आप इसको वीडियो को पॉज करें और यहाँ पे आप क्या करें, इसको अच्छे से नोट करें, तब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ओके, जल्दी से करें। अब यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम का सर्कुलेटरी मीडियम, सर्कुलेटरी मीडियम में तीन चीज आएगा, आप क्या देखेंगे, ब्लड देखेंगे, मीडियम जिससे कुछ मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ब्लड को आप देखेंगे, देन टिश्यू फ्लूड देखेंगे और देन लिम्फ देखेंगे। क्या देखेंगे, लिम्फ। ब्लड के बारे में पूरी कहानी देखेंगे हम लोग, टिश्यू फ्लूड देखेंगे, लिम्फ देखेंगे। तो चलिए ब्लड देखते हैं, ब्लड क्या होता है। देखिए ब्लड में अब आपको बताऊं, स्टडी ऑफ ब्लड को बोलते हैं हीमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ब्लड क्या होता है, ब्लड रेड कलर पिगमेंट ब्लड क्या होता है, रेड कलर पिगमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं HB। क्या लिख सकते हैं, HB। ए भी लिख लीजिए, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है, ठीक है। डिस्कवर्ड ऑफ ब्लड लिखिए, के लैंडस्टीनर ने खोज किया था, ठीक है। आप ये भी लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ ब्लड में कितना कुछ यार, टाइप्स ऑफ ब्लड लिख लीजिए, ए वाली टाइप बी वाली टाइप ए बी वाली टाइप और ओ वाली टाइप। कमेंट करें आपकी कौन वाली टाइप, ए वाली, बी वाली, बी वाली, ओ वाली।
है ना, इतना कुछ देखे यार। फिर ब्लड में देखना है तो आप ये देख लीजिए, ब्लड में कंपोजिशन ऑफ ब्लड देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं अपन लोग, कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का कंपोजिशन आप क्या देखेंगे सर, ब्लड का कंपोजिशन में प्लाज्मा दिखेगा, वाटर दिखेगा, है ना, और क्या दिख सकते हैं, प्लाज्मा है, सिल्वर फॉर्मेड एलिमेंट है ब्लड कॉर्पस है, प्लाज्मा देखेंगे, फॉर्मेड एलिमेंट देखेंगे, प्लाज्मा देखेंगे, फॉर्मेड एलिमेंट देखेंगे, देन इसके अलावा आप बोल सकते हैं इसमें कुछ है ना, ब्लड कॉर्पसल्स देखेंगे, क्या देखेंगे आप, ब्लड कॉर्पसल्स को देखेंगे, ये सब सारा कंपोजिशन देखेंगे, है ना। आप एक देख लीजिए, एक और मैं यहाँ पर देता हूँ हैशटैग, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आई थिंक दिख ही रहा होगा आपको यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लिख लेते हैं बॉडी वेट का, बॉडी में कितना होता है अप्रोक्स, है ना, अप्रोक्स 5.5 लीटर इन ब्लड, कहाँ, एक ह्यूमन बॉडी में, एक एडल्ट की बात किया जाए, एक हेल्दी पर्सन एडल्ट की बात किया जाए। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, क्या ट्रिक है, बॉडी वेट का ध्यान दीजिए, बॉडी वेट का 7% क्या होती है, ब्लड होती है ना, ब्लड लिया सारी समझ में नहीं आया, चलिए फिर से बताते हैं आपको। देखिए सर्कुलेटरी मीडियम का मतलब क्या है, मीडियम क्या है, मीडियम का मतलब जिससे किसी भी वस्तु को ट्रांसपोर्ट किया जाए, चला जाए, वो क्या है, मीडियम होता है। मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, ब्लड हो सकता है, लिम्फ हो सकता है, प्लाज्मा हो सकता है, मीडियम कुछ भी हो सकती है। ओके, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ब्लड है, टिश्यू फ्लूइड है, लिम्फ है, तो ब्लड बताया, स्टडी ऑफ ब्लड को बोलते हैं हीमेटोलॉजी, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कि ब्लड रेड कलर का पिगमेंट है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन होती है, एचबी होती है। ओके, फिर बताया कि डिस्कवर किया ब्लड का केल एंडर्सन नाम के वैज्ञानिक ने, साइंटिस्टों ने, इनका नाम था केल एंडर्सन, उन्होंने ब्लड का खोज किया। ओके, फिर आपने देखा टाइप्स ऑफ ब्लड में, ये वाली, बी वाली, बी वाली, वो वाली, अब आर एच नेगेटिव फैक्टर होता है, वो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे डिसाइड करता आगे देखें, ठीक है। लेकिन आप अभी इतना समझिए कि ब्लड ग्रुप ए वाली, बी वाली, ए बी वाली, ओ वाली होती है। फिर आपने देखा कि ब्लड जो था अप्रोक्स 5.5 लीटर इन ब्लड एक ह्यूमन बॉडी, एक एडल्ट की बात किया जाए तो उसमें ब्लड की वॉल्यूम जो होती है 5.5 लीटर तक होती है अप्रोक्स। ओके, फिर मैंने बताया कि बॉडी वेट का 7% करेंगे ना तो आपके बॉडी के अंदर कितना ब्लड है वो निकल जाएगा। जैसे सपोज दैट आपका बॉडी आपका बॉडी का वेट 40 kg, लेट मैं यहाँ पे करता हूँ, लेट माना कि आपका बॉडी का वेट 40 kg, तो 40 kg का 7% करेंगे कितना आएगा, 40 × 7/100 करेंगे, आप देखेंगे 1 0 से 0 मर जाएगा, 28/10 तो आप देखेंगे 2 लीटर 800 ml आपके बॉडी में क्या है, खून है। सर मेरा तो सर मैं 60 kg की हूँ, तो 60 kg के आप हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ 60 × 7/100 करेंगे तो आप देखेंगे 1 0 से 1 0 में मर गया, 42/10 यानी कि 4.200 ml क्या है आपके बॉडी में ब्लड है। आप अपना ब्लड को में निकाल कर कॉमेंट कीजिए मुझे, है ना, देखते हैं कि इनमें कितना ज्यादा खून मिलता है। फिर मैंने आपको बताया कि देखिए जी कंपोजिशन ऑफ ब्लड में आप देखेंगे तो प्लाज्मा होती है, फॉर्मेड एलिमेंट होता है, और ब्लड कॉर्पसल्स होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, प्लाज्मा है, फॉर्मेड एलिमेंट है, ब्लड कॉर्पसल्स, ये सब क्या है, ब्लड के अंदर मिलने वाले एलिमेंट्स कण है। यहाँ तक मेरे साथ नोट करते जाइए, जिंदगी एक सफर सुहाना, कल क्या होगा किसने जाना, जिंदगी एक सफर सुहाना, कल क्या होगा किसने जाना, जिंदगी चलिए यहाँ तक हमारा कहानी स्ट्रॉन्ग हो गया। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब प्लाज्मा क्या होता है, पहला था प्लाज्मा ना, देखिए प्लाज्मा क्या है, ब्लड विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, है ना, है ना। प्लाज्मा जो होता है सिल्वर पार्ट होता है, प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा जो होता है स्ट्रॉ कलर्ड, लिख लीजिए प्लाज्मा जो होता है स्ट्रॉ कलर्ड एलिमेंट,
क्या है स्ट्रॉ कलर्ड होता है ना सोल्यूशन है, कह सकते हैं एक तरह का SOLUTION, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, स्ट्रॉ कलर का सोल्यूशन है। प्लाज्मा में आप देखेंगे इसमें क्या होता है, प्लाज्मा कंटेंट इसमें क्या देखेंगे, आप देखेंगे 90 to 92% क्या होती है इसमें, है ना, वाटर, 90 to 92% वाटर प्लाज्मा, ठीक है। देन देखेंगे 1 to 2% साल्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा और देखेंगे 7 to 8% जो होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, आई क्या है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और ये क्या है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ब्लड विदाउट प्लाज्मा फैक्टर, ये देखिए ब्लड में से प्लाज्मा को निकाल दिया, ब्लड विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, हाँ ब्लड में से क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाए, देखिए क्यों रहता हूं मैं, ब्लड में से क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाए तो बन जाता है वो प्लाज्मा, है ना, यानी कि प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर नहीं होती है ना, एकदम अच्छे से यहां तक आपने देखा, ठीक है। अब क्या करता है प्लाज्मा, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है किसको, भैया कार्बन डाइऑक्साइड को करेगा, नाइट्रोजन वेस्ट को करेगा, लिखिए प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करते कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट, है ना, वेस्ट इन किसके फॉर्म में, वेस्ट इन डिजोल्व फॉर्म, इसके फॉर्म में डिजोल्व फॉर्म में करेगा, है कि नहीं, तो इसको याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया प्लाज्मा में क्या क्या है, प्लाज्मा में क्या है 93-92% वाटर है, 1 to 2% साल्ट है जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आता है, 7-8% ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मैं बता दिया कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर को बोलते प्लाज्मा, ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर हट गया उसको बोलते प्लाज्मा। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है CO2 को, लिख लीजिए यहाँ पे CO2 को, साथ में नाइट्रोजन को जो कि डिजोल्व फॉर्म में होता है वेस्टेज के रूप में, ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर। फिर देखिए आपको सिल्वर, अब यहाँ पे सिल्वर एलिमेंट है, देखिएगा सेलुलर एलिमेंट में क्या क्या आएगा, सेलुलर एलिमेंट, सिल्वर एलिमेंट में आप देखेंगे RBC देखेंगे, WBC को देखेंगे और प्लेटलेट्स को देखेंगे, ये सब क्या है सिल्वर फॉर्म में, है ना। थोड़ा सा मैं बता दूं आप RBC को क्या बोलते हैं, RBC को बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पोसल, क्या बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पोसल से बोलते हैं। WBC को क्या बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल बोलते हैं। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मैं इसको रिकैप करता हूँ, आराम आराम से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए प्लाज्मा क्या, प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड पुआल की तरह का, स्ट्रॉ कलर का मतलब पुआल जो होता है उस तरह का कलर का होता है, धान का जो नहीं होता है वो पोषण, उस तरह का पुआल कलर को बोलते हैं। तो स्ट्रॉ कलर का सोल्यूशन है, इसमें 90 to 92% वाटर होती है, इसमें 1 to 2% साल्ट होता है जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, 7-8% ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फिर मैंने आपको बताया कि देखिए जी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। फिर मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट्रोजनस वेस्टेज को डीजल फॉर्म में। फिर बताया कि देखो सेलुलर एलिमेंट में जो है ना आपको RBC आएगा, WBC आएगा एंड प्लेटलेट्स आएगा। सर RBC का मतलब रेड ब्लड कॉर्पस होता है, WBC का मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पस होता है, और प्लेटलेट्स का मतलब थ्रोम्बोसाइट्स होता है। यही तो 3 कंपोनेंट है सेलुलर एलिमेंट में आते हैं, है कि नहीं। तो अब एक करके हम लोग क्या करेंगे, RBC क्या करता है, WBC क्या करता है, प्लेटलेट्स क्या करता है, एवरीथिंग क्लियर क्रिस्टल कर लेंगे आने वाले एपिसोड में। आई थिंक यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आ रहा है तो लगातार बन रहे हैं। थैंक यू सो मच।